कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, लू म्यूजियम के निर्देशक मैनुअल रबाते जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए अतिथिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां म्यूजियम वर्ल्ड के दिग्गज जुटे हुए हैं। आज का ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे कुछ पल म्यूजियम में बताने का अवसर मिला। हमें कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर आता है, सरकारी गैर सरकारी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और सरकार भी उस ऊंचाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है, वैसी व्यवस्था। और मैं मानता हूं कि आज का ये अवसर भारत के म्यूजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है।
दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक झलक दिखने वाली है। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जिस पथ पर चले थे उस दांडी पथ को भी संरक्षित किया गया है। जिस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था वहां आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है। आज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटीर देखने गांधीनगर आते हैं। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर का जहां महापरिनिर्वाण हुआ वो स्थान दशकों से बदहाल था। हमारी सरकार ने इस स्थान को दिल्ली में 5 अलीपुर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ महू में जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में जहां वो रहे, नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, मुंबई की चैत्य भूमि जहां उनकी समाधि है, ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है। भारत की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने वाले सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश का गौरव बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भीतर भी एक म्यूजियम बना हुआ है। चाहे पंजाब में जलियांवाला बाग हो, गुजरात में गोविंद गुरुजी का स्मारक हो, यूपी के वाराणसी में मान महल म्यूजियम हो, गोवा में म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट हो, ऐसे अनेक स्थानों को संरक्षित किया गया है। म्यूजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयास भारत में हुआ है। हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्रा और योगदान को समर्पित पीएम म्यूजियम बनाया है। आज पूरे देश से लोग आकर पीएम म्यूजियम में आजादी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। मैं यहां आए अपने अतिथियों से विशेष आग्रह करूंगा कि एक बार
इस म्यूजियम को भी अवश्य देखें। साथियों, जब कोई देश अपनी विरासत को सहेजना शुरू कर देता है तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है। ये पक्ष है दूसरे देशों के साथ संबंधों में आत्मीयता। जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत ने उनके पवित्र अवशेषों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवशेष भारत ही नहीं दुनिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अभी पिछले वर्ष ही हमने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया भेजा था। वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्था का एक महापर्व बन गया था। बुद्ध के जो रिलिक्स हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहां कुशीनगर लाया गया था। ऐसे ही गोवा में सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवशेषों की धरोहर भी भारत के पास संरक्षित है। मुझे याद है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जॉर्जिया भेजा था तो वहां कैसे राष्ट्रीय पर्व का माहौल बन गया। उस दिन जॉर्जिया ने अनेकों नागरिकों वहां के सड़कों पर एक बड़ा मेले जैसा माहौल हो गया था, उमड़ पड़े थे। यानी हमारी विरासत, वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने वाले हमारे म्यूजियम्स की भूमिका भी और ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, जैसे हम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोड़ते हैं, वैसे ही हमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानकर अपने संसाधनों को बचाना है। मेरा सुझाव है कि हमारे म्यूजियम्स इन वैश्विक प्रयासों में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने। हमारी धरती ने बीती सदियों में कई प्राकृतिक आपदाएं झेली है। इनकी स्मृतियां और निशानियां आज भी मौजूद है। हमें ज्यादा से ज्यादा म्यूजियम इन निशानियों की, इनसे जुड़ी तस्वीरों की गैलरी की दिशा में सोचना चाहिए। हम अलग अलग समय में धरती की बदलती तस्वीर का चित्रण भी कर सकते हैं। इससे आने वाले समय में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है। यहां आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न पर आधारित व्यंजनों का अनुभव भी लोगों को मिलेगा। भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। हम श्री अन्न और अलग अलग वनस्पतियों के हजारों वर्ष की यात्रा के आधार पर भी नए म्यूजियम बना सकते हैं। इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे। साथियों, इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं। अब सवाल ये कि अपनी धरोहरों का संरक्षण देश के सामान्य नागरिक को स्वभाव बनेगा कैसे? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारिक संग्रहालय बनाए, घर के ही लोगों के विषय में, अपने ही परिवार की जानकारियां।
इसमें घर की, घर के बुजुर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं। आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामान्य लगता है, लेकिन आपकी लेखनी में वही कागज का टुकड़ा 3-4 पीढ़ी के बाद एक इमोशनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी, हमारे भिन्न भिन्न संस्थानों और संगठनों को भी अपने अपने म्यूजियम जरूर बनाने चाहिए। देखिएगा इससे कितनी बड़ी और ऐतिहासिक पूंजी भविष्य के लिए तैयार होगी। जो देश के विभिन्न शहर है वो भी अपने यहां सिटी म्यूजियम जैसे प्रकल्पों को आधुनिक स्वरूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें उन शहरों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं रख सकते हैं, विभिन्न पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी परंपरा हम देखते हैं वो भी हमें इस दिशा में काफी मदद करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि म्यूजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं बल्कि एक कैरियर ऑप्शन भी बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल म्यूजियम वर्कर्स की दृष्टि से ना देखें। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसे विषयों से जुड़े ये युवा ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज के मीडियम बन सकते हैं। ये युवा दूसरे देशों के में जा सकते हैं, वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं, इनका अनुभव और अतीत से जुड़ाव अपने देश की विरासत के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। साथियों, आज जब हम साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो मैं एक साझी चुनौती का भी जिक्र करना चाहता हूं। ये चुनौती है कलाकृतियों की तस्करी और एप्रोप्रिएशन। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश सैकड़ों वर्ष से इसे जूझ रहे हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अनेकों कलाकृतियां अनएथिकल तरीके से बाहर ले जाई गई। हमें इस तरह के अपराध को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के बीच अब विभिन्न देश भारत को उसकी धरोहर लौटाने लगे हैं। बनारस से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, गुजरात से चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो, चोल साम्राज्य के दौरान निर्मित नटराज की प्रतिमाएं हो, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सुशोभित तलवार हो, पिछले 9 साल में ही करीब 240 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है, जबकि उसके पहले कई दशकों तक ये संख्या 20 भी नहीं पहुंची थी। इन 9 वर्षों में मैं भारत से सांस्कृतिक कलाकृतियों की तस्करी भी काफी कम हुई है। मेरा दुनिया भर के कला पारखियों से आग्रह है, विशेषकर म्यूजियम से जुड़े लोगों से अपील है कि इस क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। किसी भी देश के किसी भी म्यूजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहां पहुंची हो। हमें सभी म्यूजियम्स के लिए इसे एक मोरल कमिटमेंट बनाना चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है हम अतीत से जुड़े रहकर भविष्य के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे। हम विरासत को सहजेंगे भी और नई विरासत का निर्माण भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।